हाँ, सभी को नमस्कार। और दोबारा से हम उस अपनी जो क्लास को उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे। मैंने अभी बताया आपको, और जो मैंने फिक्चर बताया वो दो हाफ का फिक्चर बताया मैंने आपको। दो हाफ के अंदर कैसे फिक्चर बनाते हैं वो मैंने समझाया, और एक पॉइंट उसमें जो छूटा है नॉकआउट के अंदर, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर नंबर ऑफ मैचेस की बात आती है। नंबर ऑफ मैचेस जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है N-1 होता है। जैसे जस्ट मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया था कि 31 टीम है, मतलब N=31 है, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? नंबर ऑफ मैचेस होंगे 31-1=30। अभी जो मैंने फिक्चर बनाया था आपने देखा होगा कि मैं उसमें कितने 30 मैच हुए, काउंट करेंगे आप 30 मैच होंगे, पिछली वाली वीडियो के अंदर देखेंगे आप। अब यहां पर कुछ एक समझने वाली चीज समझना आपको यहां पर, कि क्वेश्चन आज ही एक बच्चे का मेरे पे मैसेज आया कि सर उसका क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन था 86, हाँ 83। समझना है यहाँ पर, उस बच्चे का क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टीम्स एटी सेवन है। क्वेश्चन समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 87 टीम्स हैं और जो बेस्ट फोर टीम है, बेस्ट फोर निकलेंगी, चार टीम है, चार टीम मतलब सेमीफाइनलिस्ट टीम, ध्यान रखना, मतलब जो बेस्ट फोर टीम्स हैं, बेस्ट फोर टीम्स का मतलब सेमीफाइनलिस्ट, जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं उन चार टीमों के बीच में लीग होगा, लीग टूर्नामेंट होगा। तो टोटल मैचेस कितने होंगे, मींस इफ देयर आर 87 टीम्स, सो इट्स ए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्वेश्चन जो था बच्चे का कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है जिसके अंदर बेस्ट फोर टीम जो निकल के आएंगी उनके बीच में लीग होगा, तो टोटल मैचेस कितने होंगे। तो पहली बात समझने की जरूरत है, जब 87 टीम है, 87 टीम्स हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट, अगर पूरा नॉकआउट कराते हैं हम, तो नंबर ऑफ मैचेस हमारा कितना होगा? 87-1=86 होना है, 86 मैच होंगे। मगर उन्होंने बोला है कि जो बेस्ट फोर टीम है, मतलब सेमीफाइनल नहीं हुआ, सेमीफाइनल और फाइनल नहीं हुआ, सेमीफाइनल कितने? दो, और एक फाइनल, तीन मैच नहीं हुए। तो 86 में से हमने क्या किया, तीन मैच लेस कर दिए, -3, ये कितना आ गया? 83। तो टोटल 83 मैचेस कब तक? सेमीफाइनल से पहले, क्वार्टर फाइनल तक, अप टू क्वार्टर फाइनल, अप टू क्वार्टर फाइनल के मैचेस 83 हुए। अब चार टीम निकल के आ गई, उन चार के बीच में लीग हुआ, चार के बीच में लीग हुआ, चार टीमें हैं, तो लीग में नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या होता है? लीग के अंदर नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है N-1/2। तो आप देखेंगे N कितनी टीम निकल के, चार आई थी, तो चार 4-1/2=4×3/2=12/2=6 आया। तो छह मैच लीग के हुए, तो 6+83 टोटल कितने हुए? 89 मैचेस हुए। ये उस बच्चे का क्वेश्चन था कि सर 87 टीम्स हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट होगा पहले, उसके बाद जो बेस्ट फोर टीम निकल के आएगी उनका लीग होगा, तो टोटल मैचेस कितने होंगे। तो भाई पहले तो हमने 87 में से क्या किया, 1 घटाया, 86 आ गया, तीन मैच रोक दिए, फोर
सेमीफाइनल के दो, एक फाइनल का, तीन मैच हटा दिए हमने, माइनस थ्री कर दिए, 83 बचे। अब जो टीम बची चार, उनके बीच में लीग हुआ, चार टीमों का लीग होता है तो छः मैचेस होते हैं, छः मैच निकल के आए, ये देखिए उस छः को हमने यहाँ जोड़ दिया तो टोटल 89 मैचेस हो गए। नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, नंबर ऑफ मैचेस हो गए हमारे 89। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम, क्योंकि हम ये आधे घंटे की क्लास लेंगे, क्योंकि कल हम पूरे टूर्नामेंट को ख़त्म कर देंगे। और हमारी जैसे मैराथन क्लासेस चल रही है, हर टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, उस टिप्स को ख़त्म करते रहे, कंसेप्ट क्लियर करते आ रहा हूँ। DSSB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ये बता देना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर, तो ये आपने देखा कि अभी तक हमने नॉकआउट, सिंगल नॉकआउट का फिक्चर हमने दो हाफ में बनाना सीखा, दो हाफ में। सीडिंग किसे कहते हैं वो समझ में आया आपको, ठीक है, सीडिंग किसे कहते हैं वो आपके समझ में आ गया। अब यहां पर एक कंसेप्ट समझना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे चलते हम नेक्स्ट। एक चीज आपको गांठ बांधनी है, बिल्कुल टूर्नामेंट तो हर सिलेबस में होगा, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, बिना टूर्नामेंट सीखे कोई टीचर, फिजिकल टीचर नहीं बन सकता, ध्यान रखना। अब यहां देखना है, हमने बाई समझा, हमने सीडिंग समझा, अब आता है सुपर सीडिंग, या इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग ये समझना है, बाई का मतलब तो क्लियर हो गया कि पावर ऑफ टू में रखने के लिए हम बाई देते हैं, और किसी टीम को प्रेफरेंस बाई की ही दी जाती है, ठीक है ना, जो फर्स्ट नंबर की बाई है वो नंबर वन वाली टीम को दी जाती है, क्लियर हो गया। CBSE बोर्ड की किताबों के अंदर पहले आपने देखा होगा कि सीडिंग, पहली सीडिंग वो सबसे ऊपर वाली टीम को दे रहे थे, कहीं ना कहीं कोई गलती थी, किताबों में वही चला आ रहा था। अब जो NCERT की बुक आई उसमें ठीक कर दिया गया सीडिंग को, सीडिंग जैसे बाई दी जाती उसी के प्रेफरेंस के अंदर हम सीडिंग देते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है आप, ठीक है ना। अब देखिए, अनावश्यक क्वेश्चन ना पूछो, आप इस क्वेश्चन को समझिए आप। अब इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप अनावश्यक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, और वीडियो को लाइक करते जाइए, जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, मैं तो कहूंगा कि जो आपके पास मैसेज मिला था ना, उस मैसेज को लोगों को वायरल करो आप, समझ दो, ठीक है, कुछ फायदा हो सके जी इस बच्ची का। अब देखो यहां पर, यहां समझना है, बाई का मतलब समझ में आ गया, सीडिंग का मतलब समझ में आ गया कि टूर्नामेंट के रोमांच को बनाए रखने के लिए टीमों को फिक्चर में इस प्रकार से रखना कि जिससे कि अच्छी टीमें प्राथमिक या प्रारंभिक राउंड के अंदर आपस में ना भिड़ जाए। अब सुपर सीडिंग क्या होता है, जो सीडेड टीम है, सीडिंग जो टीमें हैं जिनको सीडिंग दी गई है उनको सुपर पावर बना दिया जाए। सुपर पावर का मतलब जिन टीमों को सीडिंग दी गई है उन टीमों को सीधे अगले राउंड पहुंचा दीजिए आप, यहां समझना है। सपोज मैंने कहा कि 16 टीम है, मैंने लिख दिया 16 टीमें हैं, क्या 16 टीमें बाई दी जाएगी कभी, नहीं दी जाएगी, क्यों, ऑलरेडी 2 की पावर में है ये, कोई बाई नहीं मिलेगी। हमने इसका फिक्चर बना रहे हैं, यहां देखते हैं हम कि भाई 16 है, दो हाफे बांटेंगे तो 8-8 टीमें आएंगी आगे। अब हम इसमें सीडिंग दे रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीड कर रहे हैं, सीडिंग दे रहे हैं। मैंने क्या बताया, दो हाफ की टीम के अंदर हम 4
सीडिंग दे सकते हैं अधिक से अधिक, 8 नहीं देंगे हम, क्योंकि 8 के लिए फिर आपको क्वार्टर के अंदर फिक्सर बनाना पड़ेगा, राइट। अब जब आपके दो हाफ हैं, या तो आप दो टीम को सुपर सीड करो या 4 को करो, ठीक है। अब देखिए, बाई किसी को नहीं मिली, हमने नंबर 1, ये नंबर फर्स्ट S1 सीडिंग 1, ये सीडिंग 2, सीडिंग 3 और सीडिंग 4, ये 4 टीमों को सीडेड कर दिया हमने, फिक्चर में रख दिया, सीडेड कर दिया हमने। अब बोला गया कि भाई इनको सुपर सीड करना है, सुपर सीड ध्यान रखना है, सुपर सीड करना है। याद रखना, यहां ध्यान देना है, सुपर सीड की बात कर रहे हैं हम, सुपर सीड या स्पेशल सीडिंग दोनों बात एक ही है। अगर हम दो टीम को सुपर सीड कर रहे हैं, दो टीम को अगर सुपर सीड कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो ये दोनों टीम सीधे क्या खेलेंगी, सेमीफाइनल खेलेंगी। वो कैसे अभी समझ में आएगा। और अगर हम 4 टीम को सुपर सीड कर रहे हैं, जैसे इस एग्जाम में कर रहा हूं मैं, 4 टीम को सुपर सीड कर रहे हैं, तो ये टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, ठीक है। अगर हम 8 टीम को सुपर सीड कर रहे हैं, 8 को सुपर सीड कर रहे हैं, तो ये सीधे प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, ये ध्यान रखना है। दो टीम सेमीफाइनल खेलती हैं, अगर 4 बनती है तो क्वार्टर फाइनल, 8 है तो प्री क्वार्टर फाइनल खेलती है, ये समझना है आपको, ठीक है। अब देखना है, अब हमने क्या बोला कि 4 टीमों को हम सीडिंग दे दी, इनको सुपर सीड करना है, सुपर सीड करना है, तो इसका मतलब फिक्चर हमने दो हाफ में बनाया। मैंने कहा कि दो हाफ में फिक्चर बढ़ाया है तो आप 4 टीमों को सीडिंग दे सकते हैं, ठीक है, और इन 4 टीमों को ही आप सुपर सीड कर सकते हैं। अब वो समझना है, देखेंगे आप, ठीक है। हमको क्या करना है, सुपर सीड। जब सुपर सीड करते हैं, सीडिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पिछले क्वेश्चन देखे आपने, जब हम सुपर सीड करते हैं, हमने कहा कि भाई 4 टीमों को सुपर सीड करना है, ये वाली चीज हमने ले ली, ये वाली। तो अब फिक्चर बनाने से पहले एक कैलकुलेशन करना पड़ता है बाई निकालने के लिए। पहले क्या करते हैं हम, एन माइनस नंबर ऑफ सुपर सीडेड टीम्स। एन कितनी है हमारे पास, 16। सुपर सीड कितने को कर रहे हैं हम, 4 को कर रहे हैं, हमारे पास टीम बची 12। अब ये 12 से हमारा फिक्सर बनेगा, क्योंकि 4 जो सुपर सीड हो रही है, 4 टीम क्या खेलेंगे, सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। अब समझना है, तो 12 टीम होती है अगर, तो बाई अब इस 12 पे निकाला जाएगा। नंबर ऑफ 22 कितनी होंगी, अब नंबर ऑफ 22, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना आएगा, 12 है तो 16 आएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, 16 माइनस 2 इक्वल टू हमारा 4 आया। क्या करना है, बाई देनी है। बाई को याद रखना, बाई की जो बाई दी जाएगी, सुपर सीडेड टीम की बगल वालों से स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम, अब देखिए, अब पहली बाई, फर्स्ट बाई किसको देंगे हम, फर्स्ट बाई, बाई 1, टोटल बाई कितने, 4, 2 नीचे आएंगी 2 ऊपर आएंगी, बाई 2, बाई 3, बाई 4। अब हमने फिक्चर बनाना स्टार्ट किया, अब देखेंगे फिक्चर अपना, ऊपर से स्टार्ट किया हमने,
सुपर सीडेड टीम को टच नहीं कर रहे हैं। सुपर सीडेड टीम को अब हम टच करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये टीम सीधे ये खेल रही है, क्या खेल रही है, ये क्वार्टर फाइनल, ये भी क्वार्टर फाइनल खेल रही है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये क्वार्टर में फिक्स्चर बन गया। ऑटोमेटिकली हमने दो भाग में बनाया, अभी मैं क्वार्टर का फिक्स्चर बनाऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा मैं। तो आपने देखा कि ये टीमें क्या कर रही है, सीधे क्वार्टर फाइनल खेल रही है, ठीक है, सीधे क्वार्टर फाइनल खेल रही है। ये क्वार्टर फाइनल आ गई, ठीक है। जब हम सुपर सीड करते हैं, जब हम सुपर सीड करते हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है, एक राउंड बढ़ जाएगा। जो राउंड का फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ टू कहते हैं हम, 16 है तो 16 पावर कितनी है, 4 है ना, चार राउंड होने चाहिए। बट यहां आप देखेंगे ये चार राउंड नहीं हो रहे हैं, यहां देखेंगे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और ये वाला फिफ्थ राउंड, पांच राउंड। सुपर सीड के केस के अंदर एक राउंड अधिक हो जाएगा। मैंने ये बताया अगर हम दो टीम को सुपर सीड कर रहे हैं तो दोनों टीम सीधे जाके सेमीफाइनल खेलेंगी, चार को कर रहे हैं तो क्वार्टर फाइनल खेलेगी, आठ को करेंगे तो वो क्या खेलेगी, प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगे सीधे। और पता है कि सीडिंग और सुपर सीडिंग टू की पावर में ही दी जाती है, या तो दो टीम को दी जाएगी, या चार को, या आठ को, या सोलह को, ऐसे करके दी जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सीडिंग कितनी टीमों को दी जा सकती है, टू की पावर में ही दी जाएगी, टू की पावर में ही दी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है।